नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे वो है FATF की पेरिस में हुई बैठक। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बीते 30 सालों से काम कर रही है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि आतंकवाद की आर्थिक रसद कैसे काटी जाए, काला धन जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कैसे रोका जाए, ये सबके हित में है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके हित में है। और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है इन दिनों चर्चा में भी है, ख़ासतौर पर इसके जुरिसडिक्शंस को लेकर, जिस तरीके से ये इसको इफेक्टिव बनाया जा रहा है। पेरिस में हुई मीटिंग कई लिहाज से महत्वपूर्ण थी। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इसमें एक बार फिर पाकिस्तान की परीक्षा होनी थी। परीक्षा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और उसके साथ ही पाकिस्तान ने हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट दिया था FATF को कि वो कंप्लाई करेगा किस पर, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को मजबूत करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जून 2018 के बाद, अक्टूबर 2018 के बावजूद FATF की जो रिपोर्ट सामने आई है, यानी 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अब तक के किए गए सारे कामों के आकलन के बावजूद FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। किन शर्तों के साथ बरकरार रखा है? इस शर्त के साथ कि फरवरी 2020 में यदि पाकिस्तान अपना कंप्लायंस नहीं दिखा पाया तो FATF को मजबूरन तमाम वित्तीय संस्थाओं को ये कहना होगा कि वो पाकिस्तान में होने वाले तमाम इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के साथ होने वाले तमाम मनी ट्रांजैक्शन, जो पैसे का कारोबार है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चिंताजनक बात हो सकती है अगर FATF ने ऐसा कहा तो। सबसे पहली बात तो ये कि FATF ने किन आधार पर पाकिस्तान का आकलन किया? आकलन किया गया इस आधार पर कि वहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो हैं वो कितने मजबूत किए गए हैं, किस तरीके की कार्रवाई है, किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सर जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, जो डिजिग्नेटेड टेरर एंटिटीज़ हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 1267 या 1373 के तहत डिजिग्नेट किया गया है, उन आतंकवादियों और उन आतंकी संस्थाओं को आर्थिक संसाधन क्या उपलब्ध हैं, अभी भी हो रहे हैं, क्या वो पैसे की उगाही कर पा रहे हैं, कितनी कर पा रहे हैं, इसको रोकने में पाकिस्तान की सरकार कितनी कामयाब हो रही है, इन सारे पैमानों पर जब आकलन किया गया तो पाया गया कि पाकिस्तान ने जो कुछ कदम उठाए हैं वो नाकाफ़ी हैं। कितने नाकाफ़ी हैं? आलम यह है कि FATF ने अपनी रिपोर्ट में खुद इस चीज़ का हवाला दिया है कि पाकिस्तान 27 में से केवल 5 पैरामीटर्स के ऊपर अपनी प्रोग्रेस दिखा पाया है संतोषजनक, यानी 22 पैरामीटर्स पर पाकिस्तान नाकामयाब रहा है, फेल रहा है। ये पाकिस्तान का फेलियर जो है ये केवल पाकिस्तान की समस्या नहीं है, भारत के उसके आसपास के पड़ोसियों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। क्योंकि FATF ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को माना है कि पाकिस्तान का अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को या जो टेरर फाइनेंसिंग लॉज हैं उन्हें मजबूत करना, उस सिस्टम को मजबूत करना पूरी दुनिया में आतंकवाद की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। हम केवल पाकिस्तान की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें तो FATF की इस रिपोर्ट के अंदर तो अधिकतर, पाकिस्तान को यदि हम छोड़ दें तो अधिकतर देश जो हैं वो बेहद छोटे देश हैं। और पाकिस्तान किस क्लब में है अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएं तो आपको नज़र आएगा कि इस लिस्ट के अंदर सीरिया है, जहाँ इस समय ISIS का बोलबाला है। इसके अलावा इसमें घाना है, इसके अंदर बोत्सवाना है, इसमें बहामास है। ये सारे वो मुल्क हैं जो बहुत छोटे मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान इनकी तुलना में बहुत बड़ा मुल्क है। न्यूक्लियर हथियार हैं पाकिस्तान के पास में, और ऐसा मुल्क यदि अपने यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग लॉज को मजबूत नहीं कर पाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज उसके यहाँ कमज़ोर होते हैं, डिजिग्नेटेड टेरर एंटिटीज़ को पैसा लगातार मिलता जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस बैठक के अंदर भारत ने इस चीज़ का भी मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान अपने मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को मजबूत नहीं कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग पर अभी भी रोकथाम न लगाए जाने का आलम यह है कि हाफिज़ सईद जैसा आतंकवादी, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी टेरर डेजिग्नेटेड लिस्ट में 2009 में ही डाल दिया था,
उसे उसके लिए पाकिस्तान आर्थिक संसाधन मुहैया कराता है, उसके फंड्स और अकाउंट्स के लिए बाकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो रिलीफ लिया गया था, जो आतिफ सईद ने अप्रोच किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगस्त में, उसके बाद पाकिस्तान ने उसे खाते मुहैया कराने के लिए बाकायदा ये चिट्ठी लिखकर कहा था सिक्योरिटी काउंसिल को कि उसे करीब 1.5 लाख रुपया महीने की जो आर्थिक मदद है वो मुहैया कराई जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग या आतंकवाद की आर्थिक रसद, आतंकवादियों के हाथों में पैसा पहुँचने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ये सारी चीज़ें काफ़ी चिंताजनक हैं। इसके अलावा FATF ने पाकिस्तान को हिदायत के साथ बाकायदा 10 सूत्री एक एजेंडा दिया है, यानी कहा जाए कि 10 क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें हल करके पाकिस्तान को फरवरी में एक बार फिर परीक्षा देनी है। ये बताना होगा कि उसने कितना इफेक्टिवली काम किया है, और नहीं तो पाकिस्तान को FATF की जो ब्लैकलिस्ट कही जाती है उसमें डाला जा सकता है। ये पहला मौका नहीं जब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया हो। इसके पहले 80 के दशक में भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर, 90 के दशक में भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान रह चुका है। उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया और अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है। ये आलम तब है जबकि पाकिस्तान इस समय अर्थव्यवस्था के रूप से फंसा हुआ है, उसकी आर्थिक रफ्तार महज 3.5% से भी कम है। ऐसे में जबकि पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां ज़्यादा हैं, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, ऐसे में ये उसका ग्रे लिस्ट में बना रहना उसके लिए राहत का नहीं बल्कि बढ़ी हुई चिंता का सबब भी है। इसलिए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सोर्सिंग जो है वो कम हो जाएगी, उसके लिए आर्थिक संसाधनों को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक क्वार्टर और उसे इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, उसे और स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरियां काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पर FATF के इस रिव्यू के बाद, और साथ ही उसकी गर्दन पर इस चीज़ की तलवार लटक रही है कि अगर पाकिस्तान इसमें कंप्लाई नहीं करता है तो मदद करने की तमाम कोशिशों के बावजूद, जैसे बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, चीन इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है FATF की, लेकिन उसके बावजूद चीन की प्रेसिडेंसी में चीन ने भी ये बात मानी है कि पाकिस्तान अभी तक कंप्लायंट नहीं है, पाकिस्तान ने अधिकतर पैरामीटर्स के ऊपर कंप्लाई नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों के साथ पाकिस्तान के मसले पर हमने ये बात इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान आतंक का जो प्रायोजक है उसके घाव न केवल भारत ने झेले हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से भी की जो जड़ें पाकिस्तान में जुड़ी हुई हैं, जहां से उसे पैसा मिल रहा है, जहां उनके आर्थिक संसाधन फल फूल रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ फाटा का इलाका हो या अलकायदा का पूरा नेटवर्क देखा जाए या ISIS के आर्थिक स्रोत देखे जाएँ, तो उनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। और यदि एक देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, आतंकवादियों को आर्थिक संसाधन हासिल हो रहे होते हैं, तो ये आर्थिक सोर्स जो हैं, ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है, ये जो पैसा है, ये दूसरे आतंकवादी संगठनों तक भी पहुंचता है। तो इसलिए पाकिस्तान का फैसला यही हुआ है कि पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में बरकरार रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो FATF की इस बैठक में हुई हैं। इस बैठक के अंदर भारत के एक और दूसरे पड़ोसी का भी रिव्यू था, लेकिन श्रीलंका, ट्यूनीशिया और इसके अलावा इथियोपिया, श्रीलंका भारत का पड़ोसी है, ये तीनों देश कंप्लायंस के आधार पर इससे बाहर आ गए। लेकिन FATF की बैठक के अंदर एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था नए समय की चुनौतियां भी। डिजिटल एज में हम जी रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, इन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के दौरान हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ई करेंसीज पर चर्चा हो रही है। ऐसे में कितनी सुरक्षित हैं ये ई करेंसीज, डार्क वेब में किस तरीके से बिटकॉइंस में या स्टेबल कॉइंस में या अन्य तरह के जो ई कॉइंस हैं उनके अंदर किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे ये जो पैसा है, ये जो हार्ड मनी है, कैश मनी है, वो किस तरीके से जो है पैरेलल इकोनॉमी के अंदर, ये ई इकोनॉमी के अंदर या ई कॉइंस जो हैं उनमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से ये पैसा टैक्स हेवन्स में जा रहा है, किस तरीके से ये पैसा बाहर जा रहा है और गलत हाथों में पहुंच रहा है, किस तरीके से इसकी रोकथाम हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा हुई। खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिस्क हैं उनके ऊपर, और ख़ासतौर पर जो इमर्जिंग एसेट्स कहा जा रहा है इस तरीके के फॉर्मेट्स को, इस तरीके की जो वर्चुअल करेंसीज़ हैं उन्हें, उनकी रोकथाम कैसे की जाए। 39 देश FATF का हिस्सा हैं, इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके की कई संस्थाएँ, 205 जुरिस्डिक्शंस इस FATF में
तो 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक जो बैठक हुई उसके अंदर इन चीज़ों पर चर्चा हुई। इसके अलावा महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर भी हुई कि किस तरीके से अवैध शिकार जो होता है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, किस तरीके से ये अवैध शिकार से होने वाला का जो कारोबार है ये किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का सबब बन रहा है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए। ये केवल एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं, केवल पर्यावरण के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जानवरों का शिकार जो है एक बहुत बड़ी फलती फूलती जो है पैरेलल इंडस्ट्री है, और इसकी रोकथाम अगर नहीं की जाती है तो ये पैसा हथियारों के रूप में जाता है, ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए जाता है, ये मनी चैनल्स हैं, चाहे ड्रग्स हों, चाहे वाइल्ड लाइफ जो क्राइम्स हैं वो हैं, ये सारे चीज़ें पैरेलल इकोनॉमी को इन्फ्यूज़ करती हैं, उसके अंदर पैसा डालती हैं, और ये मनी रूटिंग के चैनल्स हैं। इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें FATF की बैठक का हिस्सा थी, जिसके अंदर तमाम देशों से ये कहा गया, उनसे आग्रह किया गया कि वो इसकी रोकथाम के ऊपर ख़ास ध्यान दें। डिजिटल आइडेंटिटीज़ को सिक्योर किस तरीके से बनाया जा सकता है ताकि डिजिटल क्राइम्स जो हैं उन्हें रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग के रूट्स को कर्ब किया जा सके, ताकि आपकी हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा छोटी से छोटी रिश्वत से लेके बड़े से बड़े टेरर फाइनेंसिंग के क्राइम्स तक, ये सारे पैसे का जो अल्टरनेटिव रूट बना है, जो अल्टरनेटिव चैनल्स बनते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सके ताकि जो पैसा है वो गलत हाथों में न जाए, उसका गलत इस्तेमाल न हो, वो अवैध हथियारों की खरीद में न जाए, ड्रग्स और नारकोटिक्स की खरीद में न जाए, उनके कारोबार में न जाए, ये सारे रोकथाम के जो तरीके हैं, टैक्स हेवन्स कई कंट्रीज जो बनाते हैं वहाँ किस तरीके के लॉज को इम्पोज किया जाए, किस तरीके के कानून बनाए जाएँ ताकि ये जो टैक्स हेवन्स हैं ये टैक्स की सुविधा के साथ साथ टैक्स चोरी का बड़ा अड्डा न बन जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो FATF की इस बैठक का हिस्सा थी, और इसके अंदर ये तय किया गया कि जो तमाम ज्यूरिसडिक्शन से 2005 ज्यूरिसडिक्शन से वो इन्हें स्ट्रिंजेंट करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए काम करेंगे। FATF की बैठक हर 4 महीने के बाद होती है, अगला रिव्यू जो है वो फरवरी 2020 में होगा। इन तमाम कदमों की जिसकी हमने चर्चा की इनके ऊपर भी बात होगी, और साथ ही परीक्षा होगी पाकिस्तान की, जहां उसे ये बताना होगा कि उसने इन सारे मोर्चों के ऊपर कितना कदम उठाया है, क्या मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई इतनी मुकम्मल की गई है, क्या जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा या अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई इतनी मुकम्मल की गई है कि उनके पास आर्थिक संसाधन ख़त्म हो जाएं, उन्हें आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता ख़त्म हो जाए, ये पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत हद तक इन सारे संगठनों की स्टेट स्पॉन्सरिंग हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद ये बात मान चुके हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की ISI ने इन आतंकवादी संगठनों को अपने इस्तेमाल के लिए ट्रेन किया, फंड किया, उन्हें बढ़ाया, पाला पोसा। अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने चुनौती है कि वो इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कितनी इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई करता है, ऐसी कार्रवाई वो किस तरीके से कर पाएगा जिसे वो दुनिया के सामने दिखा सके, उसे डिमॉन्स्ट्रेबल कार्रवाई करनी होगी। यही FATF ने अपने इस जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कहा है, और पाकिस्तान से कहा गया है कि वो ऐसी कार्रवाई करे जो जिसे आंका जा सके, और अगर ऐसा नहीं करता है तो FATF को मजबूरन पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालना होगा, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ये कहना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ होने वाले कारोबार पर विशेष ध्यान दे, निगरानी रखे। यानी जाहिर है यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि पहले ही काफ़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए नतीजा क्या होगा, पाकिस्तान कितना डेमोंस्ट्रेट कर पाएगा, ये तो 3 या 4 महीने बाद नज़र आएगा। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर नए पाकिस्तान का वादा करके आए इमरान खान के लिए अग्नि परीक्षा कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस चीज़ को लेकर हैं। वो इस्लामोफोबिया का नाम लेकर अपनी जगह, अपनी कुर्सी, पाकिस्तान की साख बचाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। टर्की, मलेशिया जैसे कुछ मुल्कों से उन्हें कुछ मदद मिली भी है ब्लैकलिस्टिंग से बचने की, लेकिन उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए मुश्किलों का दौर फिलहाल अभी बढ़ता ही नज़र आ रहा है। बहरहाल इस तरीके के मुद्दों पर हम आगे भी बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिर
ये जो घटनाएं हैं, ये जो फैसले हैं, इनके मायने क्या हैं। हमारी इस कोशिश को पसंद करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एबीपी न्यूज़ पर हम खबरें तो बताते ही हैं, खबरों के साथ साथ खबरों के पीछे की खबर भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।